नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य डोभाल है। अच्छा, तो अब आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूँगी। मेरे पापा का एक ही सपना था कि मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊँ, तो अब मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊँगी और पाकिस्तान को सबक सिखाऊँगी। मेरा इतना ही संदेश है। अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है और मेरी दादी है। अच्छा, उनका ख्याल भी आप ही रखेंगे? हाँ जी, उनका ख्याल भी मैं ही रखूँगी। पापा से लास्ट टाइम कब बात हुई? पापा से फिर लास्ट टाइम सिर्फ करवा चौथ में बात हुई थी। क्या बात हुई? पापा ने सिर्फ यही कहा था मैं इस छुट्टी में घर आऊँगा, और तक फिर पापा चले गए। कहीं घुमाने के लिए भी बात हुई थी? हाँ जी, कहीं पापा ने कहा था कि मैं बाहर घुमाऊँगा, अगली बार जब आऊँगा तो मैं बाहर आऊँगा, तब तक पापा शहीद। पापा की क्या खास आपको सबसे अच्छी बात है? पापा की खास बात मुझे सबसे अच्छी यही लगती है कि पापा मेरी हर बात को मानते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फौज में थे पापा? पापा जी फौज में थे मेरे। अब आपका भी सपना यही है? हाँ, मेरा भी सपना यही है कि मैं आर्मी में जाऊंगी और पाकिस्तान को सबक सिखा के ही घर आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैसे अब मम्मी को सपोर्ट मैं ऐसे करूंगी, मैंने मम्मी को बोला है कि पाप अब रोने से पापा वापस थोड़ी ना आ जाएंगे, अब हंसी हंसी हम विदा करेंगे तो पापा हमारे पास अगले जन्म में ज़रूर आएंगे। और मम्मी, हाँ जी, मैं करूंगी कि मम्मी को जल्दी से एक जॉब मिल जाए, क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मी क्या करेगी घर में, इसलिए मम्मी को जॉब मिल जाए।